फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। आप सबको मेरा नमस्ते। आज हम खेत में आ चुके हैं और आए हैं आम आम को तोड़ने, आम के पेड़ से। तो आम को हम कैसे तोड़ते हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। मैं दिखाती हूँ, फोटो नहीं है, वीडियो का। अरे गई साल ना जब बेवसा बहुत दिवा पर है ना, तो ये पेंट बन के नहीं किया अच्छी तरह। इस तरह से आपको आम को धो लेना है और इसे खाट पर उसे खुला छोड़ देना है ताकि सारे आम ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद इसका हमें छिलका निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद इसको पतली पतली शेप में काट लेना है ताकि ये अच्छे से धूप में सूख जाए, और इसे धूप में सुखाने के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो आमचूर पाउडर बनाने की जो ये जो आम की स्लाइसेस करके मैंने सुखाने के लिए रखी थी धूप में, वो आज सूख चुकी है और इसे करीबन 3 से 4 दिन लगे हैं। बीच में ज़्यादा दिन लगे हैं क्योंकि अभी मौसम थोड़ा 2 दिन ख़राब हो गया था, बादल आ गए थे, तो इसे सूखने में ज़्यादा दिन लगा। अगर कड़ी धूप हो तो 2-3 दिन में ये सूख जाएंगे। तो इसे अब हम मिक्सी में चला लेते हैं, और एक मिक्सी में चलाते समय मैं आपके साथ एक ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका आमचूर पाउडर बिना फ्रिज के भी पूरे साल रह चलेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और साथ में हमने रखी ये लहसुन की कलियाँ जो कि ऑलरेडी ड्राई हो चुकी थी। आप लोग भी अगर ऐसी ड्राई कलियाँ फेंक देते हैं तो उसे फेंकिए मत, और इसे धूप में सुखा दीजिए, और धूप में सुखा कर इसे बहुत ही क्रिस्पी कर लेना है। अभी ये मेरी थोड़ी सॉफ्ट है पर इसे क्रिस्पी हो जानी चाहिए। इसे क्रिस्पी हो जाने के बाद उसे आपको मिक्सी में चला लेना है। मिक्सी में चलाकर इसे आप अलग अलग तरह के पकवान में डाल सकते हैं ये पाउडर, और नमकीन में भी इसको डाल सकते हैं। हम मुरमुरा बनाते हैं ना, वो पफ राइस बोलते हैं उसको, इसमें इसका पाउडर बहुत ही बढ़िया लगता है। आलू पराठा बनाते हैं उस पर भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि गार्लिक को आपको ड्राई यूज़ करना है वहाँ पर ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे आपने फ्रेंच फ्राइस बनाया है तो फ्रेंच फ्राइस ऊपर ये पाउडर बाकी मसालों के साथ मिक्स करके स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और लाइव वेफर हम जो बनाते हैं वो उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आपके घर भी ऐसे लहसुन की कलियां अगर सूख गई हैं तो उसे फेंकिए मत, और इसे इस तरह से धूप में सुखा कर इसका पाउडर बनाकर स्टोर कर लीजिए। इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लहसुन में कीड़ा नहीं लगता है, इसीलिए आप उसे बाहर भी रख सकते हैं। तो हम आमचूर पाउडर को मिक्सी में चला लेते हैं, अभी अंदर चलते हैं। इसे मैं अंदर ले चलती हूँ और इसे अभी थोड़ा और ड्राई होना है लहसुन की कलियों को। और ये ढेर सारा इसीलिए बनाया है कि मेरा आमचूर पाउडर की लागत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग मेरे सिस्टर इन लॉज हैं दो, वो लेकर जाते हैं। और मेरी आमचूर पाउडर नींबू मेरे पास हर सीज़न में नहीं होता, तो ये नींबू का ऑप्शन है मेरे पास। कोई भी रेसिपीज़ में इसका यूज़ कर सकती हूँ, जो कि समोसे में अचार मसाला डालते हैं तो उसकी जो स्टफिंग है ना बहुत ही बढ़िया तैयार होती है, क्योंकि हम जानते हैं समोसे में स्टफिंग ज़रा भी लूज़ हो जाए तो अच्छा नहीं रहता। समोसे हो गए या बटाका वड़ा हो गया या कोई भी जिसमें स्टफिंग डालनी हो, कचौड़िया हो गई, तो उसमें आमचूर पाउडर डालते तो स्टफिंग ज़रा भी लूज़ नहीं होती है और हमारी रेसिपीज बहुत ही बढ़िया बनती है। चलते हैं हम घर में इसे लेकर, चला लेते हैं मिक्सी में। तो फ्रेंड्स, हम आमचूर पाउडर को लेकर घर में आ गए हैं और चला रहे हैं इसे मिक्सी में। कई लोगों को लगता है कि आमचूर पाउडर बाज़ार में सस्ता मिल जाता है, तो पैसे में हम क्यों इतनी मेहनत
क्यों करे कम पैसों की लागत के लिए। तो मैं उन्हें ये बता दूं, बाजार में जो आमचूर पाउडर मिलता है बेशक वो सस्ता है, पर उसमें को मिलावट होती है, कभी कभार साइट्रिक एसिड भी उसमें मिला होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर पर ही आमचूर पाउडर बनाए। देखिए ये मिक्सी में चला चला कर मैंने छन्नी से छान लिया है, और ये जो बड़े पार्टिकल्स है ये थोड़े गीले लग रहे हैं, तो 2-3 दिन इसे भी मैं सुखाऊंगी और इसके बाद इसे भी क्रश कर लूंगी, तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। साथ में मुझे आमचूर पाउडर के बाद ये कड़ी पत्ता भी क्रश करना है मिक्सी में। ये कड़ी पत्ता मैंने सुखा लिया है, कड़ी पत्ता मुझे धनिया पाउडर में मिक्स करना है इसीलिए मैंने इसे सुखाया है। धनिया पाउडर में इसे मिक्स करते हैं तो इसकी धनिया पाउडर की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और खुशबू भी बढ़ जाती है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये बहुत ही ड्राई हो चुका है, मिक्सी में चलाएंगे तो पीस जाएगा। और कड़ी पत्ता हम जानते हैं कि कड़ी पत्ते की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है तो वेट गेन होने नहीं देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं तो भी ये आपके लिए वरदान है। और अगर आप खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी की तकलीफ हो जाती है तब भी ये धनिया पाउडर में अगर आप मिक्स करके खाएंगे तो इससे आपको राहत मिलेगी। हमारे जो घर के मसाले होते हैं ना वो हमारे रसोई की जान होते हैं, तो आप थोड़े थोड़े उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कड़ी पत्ता तो हम अकेले तो कोई मसाले में मिक्स नहीं कर सकते और खा नहीं सकते, तो इसे अलग मसालों में मिक्स करके यूज करने से उसके सारे फायदे भी हमें मिलेंगे और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा और खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और खुशबू भी बढ़ेगी। तो मैंने कहा था आपसे आमचूर पाउडर को पूरा साल विदाउट फ्रिज में रखे इसे कैसे स्टोर करते हैं, तो आप जिसे एक ये जार मैंने मिक्सी का लिया है और ये आमचूर पाउडर से भर दिया है तो इसे आप में डालना है ये सीक्रेट वाला थोड़ा सा नमक, बस इतना सा नमक आपको एक जार में डाल देना है। ये नमक आमचूर पाउडर का ना ही पूरे साल कलर चेंज होने देगा और ना ही उसे खराब होने देगा, जिसे जिसके लिए आपको उसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू।